प्रोसीजर फॉर ग्रीजिंग ऑफ गैस वॉल ऑफ गैस स्टोव। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कुक टॉप के गैस वॉल में आप ग्रीस कैसे कर सकते हैं। जनरली हमने देखा है कि लोग हाथ से ग्रीस करते हैं या उसको कपड़े से साफ करते हैं, जिससे उसके कॉक पर स्क्रैचेस आ जाते हैं और लीकेज नहीं अटती है या वो हार्ड हो जाते हैं। सबसे पहले कस्टमर के घर जाकर मैट, रबर मैट लें या कोई मोटा कपड़ा रखें या न्यूज़पेपर रखें, जिसके ऊपर की आप गैस वॉल को, गैस स्टोव को रख सकते हैं और कोई उस बॉडी के ऊपर स्क्रैच ना आए। पैन स्पोर्ट आराम से हटाएं, इनको सेफ साइड में रखें। गैस बर्नर्स हटाएं। अगर गैस स्टोव पर स्पिल डिफ्लेक्टर्स या स्पिल ट्रे लगी हुई हैं, उनको भी हटा दें। अब आप गैस स्टोव की नॉब्स को हटाएं। आप देखेंगे कि गैस वॉल की स्पिंडल के दोनों तरफ इन स्क्रूज को स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लें। अब गैस स्टोव को टर्न कर लें, मैट के ऊपर रखें इस तरीके से कि कोई स्क्रैच नहीं पड़े। स्पैनर लें और चकनट, जिनसे कि गैस वॉल के चकनट खोल लें। अब आप ऑक्सिलरी ट्यूब्स के नट्स को, स्क्रूज को ये लूज कर लें, जिससे कि ये मिक्सिंग ट्यूब से लूज हो जाए और ये डैमेज ना हो। इन चारों को जब आप खोल लेंगे तो आपकी मिक्सिंग ट्यूब सेपरेट हो जाएगी और गैस पाइपलाइन बिल्कुल अलग आ जाएगी। अब आप इस गैस पाइपलाइन पे बिना गैस वॉल्व खोले भी गैस वॉल्व को सर्विस कर सकते हैं, इनमें ग्रीस कर सकते हैं। आपको दिखाने के लिए हम गैस वॉल्व अलग ले रहे हैं। अब आप गैस वॉल्व में दोबारा से नॉब को फिट करें और नॉब को आराम से प्रेस करें। इससे गैस वॉल में जो स्क्रू है उसको आप खोलें स्क्रू ड्राइवर से। थ्रेड स्क्रू निकलने के बाद गैस वॉल की शॉफ्ट को आराम से निकालें, स्प्रिंग अलग कर लें। अब दोबारा से इससे कॉक को और इनर पोर्शन को बिना हाथ लगाए बाहर निकाल लें। अब आपके पास कॉक और शाफ्ट रह गए हैं। ग्रीस को ऑल पिन से लगाएं, बहुत कम क्वांटिटी में इसको लगाएं, बिना कॉक और शाफ्ट को की सरफेस को टच किए बिना। आपने हाथ से कुछ टच नहीं करना है इसके ऊपर, सिर्फ ऑल पिन से हल्का ग्रीस लगाना है। सरफेस को किसी कपड़े या कॉटन से साफ करने की जरूरत नहीं है। अब दोबारा से इसमें आप पॉइंट आपको दिखा रहे हैं, ये सिम पॉइंट को साफ करने के लिए, कि अगर इसके अंदर ड्राई ग्रीस है तो आप एक साफ
ऑल पिन लें और उस ऑल पिन से सिम पॉइंट में से ग्रीस हटा दें। अब आपने इस पे ग्रीस लगा ली है, वापस इसको शेल में इंसर्ट करें। आराम से इसको बाहर निकालें, स्प्रिंग लगाएं। स्प्रिंग वापस स्पिंडल के साथ इसके अंदर डाल दें, नॉब को प्रेस करके रखें और थ्रेड स्क्रू को वापस इंसर्ट करके स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर दें। अब नॉब को 5-6 बार रोटेट करें जिससे कि जो ग्रीस इस पर लगी है अंदर कॉक पर वो चारों तरफ स्प्रेड हो जाएगी। अब आपका गैस वॉल्व ग्रीस हो गया है और लीकेज इसमें रुक जाएगी और ये स्मूथ ऑपरेट करेगा। वापस इसको गैस पाइपलाइन के साथ सारे ग्रीस करने के बाद आप वापस गैस स्टोव में लगाएं और उसको बबल टेस्टर के साथ चेक करें कि इसके अंदर अब कोई लीकेज तो नहीं है, और अगर उसमें दोबारा से कहीं आपको लीकेज आती है तो उसको चेक करें और दोबारा से फिट कर दें।